दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब हम कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, चाहे हम टेली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, चाहे बिजी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो हम जब उस सॉफ्टवेयर में बैलेंस शीट को ओपन करते हैं तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके सामने कुछ इस तरीके की एरर आपको शो करती है कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, तो इसके आगे कुछ आपको अमाउंट भी शो होती है, यानी कि आपकी बैलेंस शीट में कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों ये डिफरेंस आने का कारण क्या है, ये डिफरेंस क्यों आता है, अगर ये डिफरेंस आ भी गया तो हम इस डिफरेंस को किस तरीके से ढूंढेंगे और इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम सारी बातें प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ। आप बिजी सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हो, तो आपको बिजी सॉफ्टवेयर में भी आपको इस तरीके का डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस करके एरर आता है। तो आपको हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इस तरीके की एरर आ सकती है आपकी गलती की वजह से, तो आपको इस टाइप की गलती से बचना होगा और इस गलती को हम किस तरीके से बाद में सुधार सकते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, साथ में ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी टाइप के नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस शो होता क्यों है। तो दोस्तों जब भी हम हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमारे जो लेजर होते हैं और जब उन लेजर्स का हम ओपनिंग बैलेंस जब मेंटेन करते हैं हमारी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट को देख के, तो उस वक्त हमारे से कहीं ना कुछ एरर रह जाती है या कुछ ऐसा लेजर होता है जिसका हम ओपनिंग बैलेंस है जो क्रिएट यानी कि डालना भूल गए हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एक बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021 की, जो अभी फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है 21-22 का, उसके ये सारे के सारे हमारे ओपनिंग बैलेंस रहेंगे। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है टेली सॉफ्टवेयर में, वो है 35,115 रुपये का। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो इसमें बैलेंस शीट में 35,115 रुपये के कोई आपको ऐसा बैलेंस शो नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारे से गलती से रह गया हो। तो अब ये गलती आने के कोई एक कारण नहीं है, इसमें अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है आपने ओपनिंग बैलेंस तो लिख दिया हो लेकिन गलत लिख दिया हो, या आपने कोई दो ऐसे मतलब लेजर्स है जिनका ओपनिंग बैलेंस आप डालना भूल गए हो, तो ये आपको टोटल जितना डिफरेंस आएगा उतना अमाउंट आपके साथ शो करेगा। अब आप देख रहे हो जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो हमारा इस एसेट साइड में आ रहा है। अब एसेट साइड का मतलब आपने एसेट साइड में 35,115 रुपये का कोई एक ऐसा लेजर आपसे रह गया है जिसके अंदर आपने बैलेंस है जो ओपनिंग नहीं डाला है। अब इसको हम ढूंढेंगे कैसे, बात ये आती है, ढूंढने का तरीका ये है, भैया हम सबसे पहले हमारी बैलेंस शीट को हम ओपन कर लेंगे। कुछ बैलेंस शीट में हमारे पास डाटा है और बराबर में हम टेली को ओपन कर लेंगे। टेली का हम ट्रायल बैलेंस को ओपन करेंगे। ट्रायल बैलेंस को करने के लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। एल्ट F1 के साथ डिटेल ओपन कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है, यानी कि कॉन्फिगर। तो कॉन्फिगर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा शो ओपनिंग बैलेंस, तो इस ओपनिंग बैलेंस को आपको यस कर देना है। इसको हम यस करेंगे और उसके बाद में ऑप्शन आएगा शो क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को नो रखना है, हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं चाहिए, केवल ओपनिंग बैलेंस ही, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो ओपनिंग बैलेंस की वजह से आ रहा है, तो हमें क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है। हम क्लोजिंग को कर देंगे नो और एंटर एंटर करके इस विंडो को सेव करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो जितना डिफरेंस हमें वहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर इतना भी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी वही एरर हमें दिखाई दे रही है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। तो अब यानी कि हमें एक साइड तो तय होगी। अब जैसे हम बैलेंस शीट के टोटल की बात करें तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है 2,31,982 रुपये और 41 पैसे, और हम बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 2,31,991 रुपये और 41 पैसे। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं 82 रुपये और 91 रुपये, यानी कि लगा फर्क आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में भी कुछ एरर हमारी है ओपनिंग बैलेंस में और कुछ, और उसके बाद में डेबिट साइड में भी बैलेंस है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का चेक कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड में जो हमारा कैपिटल का जो बैलेंस यहाँ पर आ रहा है 2,15,141 रुपये और 41 पैसे। तो आपको एक एक एरर यहाँ से चेक करनी पड़ेगी और यहाँ पर भी 2,15,141 रुपये 41 पैसे, इसका मतलब ओपनिंग जो कैपिटल का बैलेंस है वो हमने बिल्कुल सही तरीके से डाला हुआ है। उसके बाद सेंट्री क्रेडिटर, अब क्रेडिटर की लिस्ट पर हम आते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हो पहला हमारे पास है राम एंड कंपनी का 1,841 रुपये का, तो 1,841 रुपये यहाँ पर भी है। उसके बाद में
2487 रुपये, तो ये 2487 रुपये भी है। और उसके बाद में 8989, और यहाँ पर आप देख रहे हो 8998, तो कुल मिला के यहाँ से हमारे से गलती हो गई है। हमें 8998 रुपये डालने थे, हमने गलती से क्लरिकल मिस्टेक के कारण हमने 8989 ही डाल दिया। तो कहने का मतलब इस 3 नंबर यानी कि श्यामलाल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमने गलत पोस्ट कर दिया है, तो इसका सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज करने के लिए हम यहीं से कंट्रोल एंटर आपको प्रेस कर देना है, सिंपल। आपको बैक वापस एल्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे एल्टर करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एंटर, तो हम लेजर अल्टरनेशन पे आ जाएंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिखाई देता है 8989, इसको हम चेंज कर देंगे। तो इसको चेंज करने के लिए 8998 हमें करना पड़ेगा क्रेडिट, और इसको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद अगर हम टोटल देखें तो आप देख रहे हो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 2,31,991 रुपये 41 पैसे का, और 2,31,991 रुपये 41 पैसे का। अब इसका मतलब क्रेडिट साइड का हमारा जो डाटा बिल्कुल सही है। और अब जो हमारा डिफरेंस रह गया वो 35,124 रुपये का रह गया है। अब 35,124 रुपये की अगर हम बात करें तो जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो अभी तक हमने नहीं डाली है। तो अब इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम कहाँ से डालेंगे? तो दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डालने के लिए सबसे पहले आपके पास जो लास्ट ईयर इन्वेंट्री की जो डिटेल्स थी, यानी कि जो 35,124 रुपये आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल था वो कौन सा था और कौन सी क्वांटिटी के साथ था, इसके लिए हम वापस टेली में जाएंगे और हम अल्टर पे जाएंगे। अब इसका डिटेल हम डालने के लिए स्टॉक आइटम को अल्टर करेंगे, स्टॉक आइटम। अब जैसे आपकी हमारे पास आइटम ए ही है, अब आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है 35,124, ये एक स्टॉक आइटम की हो सकती है, ये आपके 50 स्टॉक आइटम भी हो सकती है, और 1,000 स्टॉक आइटम भी हो सकती है, ये कोई मैटर नहीं है। ये आपने जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान जो तय करी है, तो वो उस दौरान आपको जो इन्वेंट्री आपकी थी, क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास बचा हुआ था, क्वांटिटी में कितना था, उसका लास्ट प्राइस कितना था, और उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई पर इन्वेंट्री के हिसाब से, तो उसका सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। और वो सारी की सारी स्टॉक आइटम आपको यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके बाद में आपको उसकी यहाँ पर क्वांटिटी भी यहाँ पर ओपनिंग में देनी पड़ेगी, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी। अब जैसे कि हमारे पास आइटम ए ही है, मान लीजिए हमारे पास जो स्टॉक आइटम है वो क्वांटिटी में 5 बची हुई थी, और उसकी जो टोटल वैल्यू थी 35,124 रुपये, एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरीके से अब आपके पास सैंडी डेप्टर में या बैंक बैलेंस में, फिक्स्ड एसेट में, कहीं पर भी आपने अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक करी है तो उसकी वजह से ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस की जो एरर है शो करता है। अब वापस हम बैलेंस शीट पे जाके देखते हैं, और बैलेंस शीट पे जाने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर जो पहले जो एरर आ रही थी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस वो अब 0 हो चुकी है। उसके बाद भी हम एक बार ट्रायल बैलेंस को भी देखेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, ट्रायल बैलेंस देखेंगे, एल्ट F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे, F12 प्रेस करते हुए ओपनिंग बैलेंस को यस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को नो रखेंगे, कंट्रोल ए के साथ देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इन दोनों साइड का जो टोटल आ रहा है वो 2,31,991 रुपये 41 पैसे, और सेम ही क्रेडिट साइड का भी है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी हमारा जो दोनों साइड का टोटल है वो बिल्कुल सेम है, जो कि हमारे अब टेली के ओपनिंग बैलेंस के साथ बिल्कुल मैच हो गया है। तो दोस्तों, इसी की वजह से ये जो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस में जो डिफरेंस आने का कारण यही होता है भी कहीं ना कहीं हमारे से एक आधे लेजर्स में, या कई बार ऐसा होता है हमने कई एक लेजर को मिलाने के लिए ओपनिंग बैलेंस डाल दिया लेकिन बाकी सभी लेजर्स के जो ओपनिंग बैलेंस है वो डालने अभी बकाया, तो उसकी वजह से भी एरर हो सकती है। आपने ओपनिंग बैलेंस तो डाल दिया लेकिन क्लरिक मिस्टेक के कारण आपने जो फिगर्स है वो गलत लिख दी, तो उसकी वजह से भी आपको डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा। तो प्रॉपरली अगर आप उसको सही तरीके से मेंटेन करना चाहते हो तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को देख के उसके हर लेजर वाइज जितना भी लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था वो सारे के सारे आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग में आपको डालने पड़ेंगे। अगर आपकी पहले बुक्स अकाउंट्स मैनुअल चल रही थी लेकिन आपने पहली बार इसको कंप्यूटराइज मेंटेन कर रहे हो तो आपको ओपनिंग डालने की जरूरत है। अदरवाइज आपने मतलब आपकी जो टेली सॉफ्टवेयर की जो बुक्स है वो कंटिन्यू चल रही है, आपने बुक्स को फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपको ओपनिंग बैलेंस सिस्टम के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेली सॉफ्टवेयर है, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो वो ऑटोमेटिक आगे उठा लेता है, उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे के जरूर जाना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।